हेलो, कोई है? अभी एक सेकंड। हेलो, निकी तुम ठीक तो हो ना? बस थोड़ा डर गई थी। फिक्र मत करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। मैं तो तुम्हारे लिए डर गई थी। What? हाँ, तुम्हें कुछ हो जाता तो? मुझे? हेलो, तुम? नहीं, तुम नहीं, तुम। मैं तो उनसे लड़ने वाली थी, पर फिर तुम आ गए। ओके, तो तुम्हें डर नहीं लगा? अपने लिए भी नहीं। मुझे डर नहीं लगता, कभी भी नहीं। नहीं, इनफैक्ट मुझे तो पता था कि तुम्हारी हालत खराब थी, पर फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, मैं तुम्हें बचा लेती। हाँ चलो ठीक है, तो तुम्हें डर नहीं लगता। हाँ ऑफ कोर्स, तुम तो झांसी की रानी हो, तुम्हें डर कैसे लगेगा। लेकिन माफ करना मैडम, हम तो आम इंसान हैं, हमें तो भूख प्यास लगती है, कुछ खाने का बंदोबस्त तो करना ही पड़ेगा। यहां पे तो कुछ नहीं मिलेगा, मैं बाहर जाके देखता हूं, तुम यहीं रुको। सर, पल्स रेट नॉर्मल हो रहा है। प्रेशर इज आल्सो नॉर्मल। ओके, एक्सलेंट है। एक घंटा ऑब्जर्वेशन में रखते हैं डॉक्टर कीर्ति। यस। मुझे बहुत डर लग रहा है। ओके सिस्टर, आईवी कंटिन्यू रखिएगा। दो बॉटल्स। डॉक्टर चलें। डॉक्टर्स डोंट वरी, डॉक्टर अरमाना भी स्टेबल है, बस उन्हें एक घंटे के लिए ऑब्जर्वेशन में रखा गया है। क्या मैं अंदर जा सकती पापा? I mean sir. Yes, of course. सोचा था हमने, कितने सपने संजोए थे, पर क्या से क्या हो गया।
तुम ठीक हो? क्या हुआ मुझे? लेटे रहो। डॉक्टर शशांक ने कहा है कि आधे घंटे तक तुम्हें ऑब्जर्वेशन में रखना। लेकिन हुआ क्या? कहीं से सब कुछ याद तो नहीं आ गया ना? कुछ हुआ क्या? इस वक्त नहीं, फरमान सच सुनने के काबिल नहीं। जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो अभी तक बरकरार हैं। सर, हम कब तक उससे सच छिपाते रहेंगे? डॉक्टर कीर्ति और मैं सर्जरी में कुछ घंटों के लिए, उसके बाद हमारी मुलाकात एक न्यूरोसर्जन और साइकाइट्रिस्ट से होने वाली। मुझे यकीन है कि उस मुलाकात के बाद काफी कुछ चीजें क्लियर हो जाएंगी। बिल्कुल। राइट, सो प्लीज डोंट वरी। जी। लेकिन तब तक अरमान का जिम्मा आप पर, मुझे पूरा भरोसा यकीन है। डोंट वरी सर, एटलीस्ट आज के दिन तो हम उसे कुछ भी पता नहीं चलने देंगे। थैंक यू। चलो। हाउस रेस्ट? और ये कैसे करोगे? सिखाए इस आइडिया बुरा नहीं है। ड्यूटी पे जा रहे हैं। टीचर बीमार हो इसलिए फायदा उठा रहे। क्या हुआ था? तो मेरी लाइन होनी चाहिए। तुम फेंट हो गए थे। क्या? अरमान मलिक फेंट हो गया? लेकिन क्यों? डेट तो ठीक है, 12th अगस्त, लेकिन 2007 नहीं, 2009। मैंने 2009 में, मैंने 2009 का कैलेंडर भी देखा था, और वो औरत जो आई थी बच्चे के साथ वो भी 2009 कह रही थी। वो एक्चुअली मैं 2009? कैसे 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 मुझे कैसे पता कैसे? अरे अरमान को कैसे पता कैसे? अरमान को कैसे पता कैसे? सोचो। मुझे पता है, कैलेंडर था ही नहीं वहाँ पे। There was no calendar, तुमने इमेजिन किया था। होता है, मुझे भी बहुत बार होता है, hallucinations, imaginations, it happens. या फिर epilepsy, दौरे, मुझे भी बहुत होते हैं। दौरे? दौरे? दौरा, epilepsy, तू पागल हो गया क्या? हाँ, दौरे, तुम्हें दौरे ही हुए, इसलिए तुमने 2007 की जगह 2009 इमेजिन किया। वहाँ पे 2009 का कैलेंडर ही था। अरमान, तुम्हें पढ़ने में गलती हो गई है, really. Fine. तुम सब कह रहे तो शायद गलती हो गई होगी। It's okay. शायद नहीं, कोई नहीं था। Of course, ऐसे होता है, नहीं जाएगा। कभी-कभी मिस्टेक होती है, it's okay. Fix of the mind. लेकिन वो औरत, वो बच्चे की माँ, वो भी 2009 कह रही थी। उससे भी गलती हुई क्या? हाँ, बोलो। मुझे वो कैलेंडर फिर से देखना। डॉक्टर शशांक के ऑर्डर्स है कि तुम्हें आधे घंटे तक यही बेड पर रहना है, तुम्हें आराम की जरूरत है, तो तुम कहीं नहीं जा सकते।
हार्ड में गए ऑर्डर अरे वो कैलेंडर अरे यू कांट डू दैट लिसन अरे लिसन स्टॉप बिजली डर गई मेरी झांसी की रानी अभी अभी अगर आज आज तुम नहीं आती तो कुछ नहीं मैं कभी भी तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा वादा वादा निकी, तुम्हारे कपड़े के लिए एक काम करो वो कपड़े पहन लो जाओ क्या देख रहे हो अब बोलो बोलो क्या बोले कि अब कैलेंडर ही नहीं था वहां पे बोल दो बोलो 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 ना हंस क्यों रहे हो हम लोग हंस क्यों रहे रिज बताएगी हाँ रिज रिज बताना बता बताना बताना आप क्यों वो क्योंकि वहां पर कैलेंडर है hey! क्या बकवास करे कोई कैलेंडर देखा देखा मैंने कहा था ना इमेजिनेशन हेलुसिनेशन ट्रिक्स ऑफ द माइंड ट्रिक या माइंड दैट्स अ ट्रिक सी एपिलेप्सी के दौरे वो सब होता है डोंट वरी इट्स ओके अरे नहीं था यहाँ पे कैलेंडर अभी कैसे वी टोल्ड यू सो कुछ गड़बड़ है यार उस टाइम 2009 दिखा था भाई मैं कह रहा हूँ ना गड़बड़ तेरे दिमाग में लगता है तुझे दौरे पड़ रहे हैं मैं तेरा भाई नहीं हूँ अच्छे डॉक्टर से भी थैंक यू यो गाइस हमने अरमान को टोपी पहना दी गाइस ये अरमान है राइट वो इतनी आसानी से कभी नहीं मानने वाला यू नो कोई बात नहीं हमारे पास सीक्रेट वेपन है और सारी चीजें भी तैयार है लेकिन गाइस अरमान को इतनी आसानी से टोपी नहीं पहना सकते भले ही उसका मेमोरी लॉस हो गया लेकिन फिर भी वो अभी भी काफी स्मार्ट है कोई बात नहीं ट्राई कर लेते या ओके टेंशन मत ले चल